स्पेशल झालाय म्हणजे स्पेशल नाही मी साधेच पैसे घेणार पण चांगलं वगैरे किती होता स्पेशल चे मावशी नाही नाही पण पण भवानी तेच पाहिजे पहिले मावशी तुम्ही खूप चांगले आहात थँक्यू मावशी बरं वाटलं तुम्हाला भेटून ओ काका बाजूला जाऊन बोला ना फोनवर काका पण एक नंबरचा होता मैं कब से वही देखे जा रहा हूँ यार क्योंकि वो मतलब दिखने में ही अद्भुत दिख रहा है तेरी माँ की चोट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए डीएम कर दीजिएगा जरूर रिप्लाई मिलेगा बात तो हम जरूर करेंगे ओके जी ठीक है जी और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रोड का जो कि अच्छी बात है भाई ओ भाई लद्दाख वाली फीलिंग ओ काका थोड़े से पुड़वा काका ओ काका थोड़े पुड़वा थोड़े थोड़े बस अजून अजून थोड़े हाँ ओ काका जाना पुड़े ठंडी हवा ऊपर से गंदे से रोड्स गंदे नहीं ऑफ रोड वाले रोड्स और रोड का काम चालू ये तो लद्दाख की चे भाई मतलब गरीब लोगों का हमारे जैसे लोगों का लद्दाख भाई लेकिन मैं लद्दाख जरूर जाऊंगा 110% जाऊंगा और जब मैं लद्दाख जाऊंगा तो आई बिलीव कि मैं इस बाइक पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा आई विल बाय न्यू बाइक ओ काका जाओ देना पुड़े हाँ वेरी गुड थैंक यू काका हाँ तो फिर मैं खरीद लूँगा क्या ही मतलब चलो ठीक है बोल के खरीद लूँगा और फिर उस बाइक पे मैं लद्दाख जाऊँगा और वो बाइक ऐसी होगी ना कि जो ऑफ रोड सह पाए मतलब बोलते ना एडवेंचर टूरर हो जाएगी वो बाइक तो उस पर मज़ा आएगा उस पर बैठने में भी मज़ा आएगा और ये जो पल्सर RS 200 है ना इसका सीट बहुत कड़क है भाई सब बम पे दुखता है बहुत दर्द होता है दर्द हम लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है बट पल्सर RS 200 पे 2-3 घंटे बैठो सबको दर्द होएगा ओके जी ठीक है जी तो आरंभ करते हैं हमारे नए एपिसोड का वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AJ व्लॉग्स और अगर आपने मेरा पुराना मतलब पुराना नहीं प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो वेरी गुड और अगर नहीं देखा तो पहले वो देख के आ जाइए क्योंकि उसको ही मैंने आगे कंटिन्यू करा है अगर वो देख के आप अगर आ रहे हो ना तो आई लव यू गाइज ऐसे ही लोग मेरे को चाहिए जो ऐसे यू नो दिल से दिल जोड़ के आए मेरे पास बस अभी हम जा रहे हैं नेकलेस पॉइंट की तरफ और दिवे घाट देख लिया वहाँ का विट्ठल भगवान का मूर्ति देख लिया मस्तानी तालाब देख लिया और ये रोड ओ भाई एक नंबर You don't know what goes on behind these eyes You don't know the loneliness hidden inside You don't know I wanna eat you up alive Come and get to know me, my type of wild I'm the kind that spins you and hangs you dry Well, I'm already on to another side If you gave me your whole life I would still have a room for more Cause I've got that appetite Baby, I never feel whole Though you might get me through the night But it won't So, abhi main ye left le raha hu National Highway 48 pe तब गूगल आंटी ने बताया तब मेरे को पता चला कि ये नेशनल हाईवे 48 है नहीं तो ओ काका चा आईला ऐसा जोर से कौन जाता है भाई बाजू से मेरी पड़ गई डरा दिया आराम कर एक तो मैं आराम आराम से राइड कर रहा हूँ आई थिंक दिस इज़ अ बैंगलोर हाईवे जब मैं महाबलेश्वर गया था 2018 में 2 साल पहले यहाँ पे मैंने यही बाइक को बहुत मज़े से भगाया था और इतना अच्छे से भगाया था कि मुझे वाई के लिए एक राइड लेना था वाई से होते हुए मुझे पंचकनी और वहाँ से महाबलेश्वर जाना था तो इतना मैं भावुक हो गया था उस टाइम पे कि मैंने वो राइड मिस कर दिया और मैं ऐसे ही मज़े लेते लेते बाइक भगाते भगाते 15 किलोमीटर आगे चला गया था स्कैम हो गया अपने आप मैंने खुद ने अपने साथ खुद के साथ स्कैम कर लिया था उस टाइम पर तो आई थिंक I am about to reach my destination and the destination is Necklace Point यही हाईवे से मुझे बस कहीं पे ऐसे राइट में से छोटा सा रास्ता आएगा वहाँ से उतर के आगे जाना पड़ेगा Necklace Point के यहाँ पे बस वही चे फिर वही चे माँ
फोर व्हीलर वाले रहते, जाने नहीं देते आगे आराम कोर्स वाले, आगे जाके गाड़ी स्लो ही करनी है। बट मैं अगर ओवरटेक कर रहा हूँ तो नहीं, मुझे ओवरटेक करने नहीं देंगे, खुद आगे जाएंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे आराम कोर। नॉन साइंस। अगर आप बाइक चलाते हो और अगर आपको भी ऐसे ही इरीटेट होता है फोर व्हीलर वालों से तो कमेंट में बता देना मुझे, मतलब दुख बांट लेंगे, बांटने से बढ़ता ऐसे बोलते हैं, बट हम लोग बांटने से कम कर देंगे। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? ओ भाई क्या गंदी तरह से थूका यार, इसकी तो मैं लूंगा अब। एक मिनट थांबा गाड़ी। मराठी हिंदी? आपने थूका? थूका अच्छा लगा आपको थूक के? हाँ। अरे सर आप अपने घर में थूकते हो क्या? हाँ, तो फिर ऐसे रास्ते पे मेरे ऊपर उड़ गया मेरे बाइक के, मैं अभी मार दूँ आपको, एक चमाट मार दूँ, चलेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको? लगता है अगर मारने से आदमी सुधरता है तो मार सकते हैं। नहीं मैं मारूंगा नहीं आपको, ऐसा कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्योंकि ना मेरे माँ बाप ने अच्छी चीज़ें सिखाई है तो मैं मारूंगा नहीं। अगर आपको अच्छी चीज़ें सिखाई रहती तो आप थूकते नहीं। मुझे सॉरी मत बोलो, बस याद रखना, याद रखूंगा ये चीज़ को, याद है ना, गलत चीज़ है ना ये। चलो यार, मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना अच्छा मूड में मैं राइड कर रहा था, मां तो थूक के छूटिया साला। मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया, मैं उस आदमी को ज़रा ज़्यादा बोल दिया शायद, पता नहीं, बट जो भी बोला सही बोला, ऐसे लोगों को सुनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ऐसे ही एक जगह पे रुक गया और मैंने चेक किया कि भाई मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है वो चेक करने के लिए मैंने बस ओपन करा, तो भाई स्कैम हो गया मेरे साथ वापस से वही वाला। मतलब ये रोड पर हमेशा मेरे साथ स्कैम होना ही है, ऐसा फिक्स है। अभी भी मेरे को एक राइट लेना था, मतलब आते वक्त राइट लेना था, अभी लेफ्ट लूँगा, तो मैं 3 किलोमीटर आगे आ गया इस चक्कर में। चलता है, राइड ही करनी है, अच्छे रोड्स ही है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। और उस बंदे को मैंने बोला, थोड़ा मेरा मूड ख़राब हुआ, मैं रुका, और अगर वो बंदा नहीं मिलता मैं रुकता नहीं, मेरा और आगे चला जाता, और मैं भी उसे नहीं मिलता ना तो उसको भी वो सीख नहीं मिलती, उसको भी थोड़ा एम्बेरस्ड फील नहीं होता अपने आप के बारे में, थोड़ा गंदा फील नहीं होता। तो भगवान है और भगवान सारी चीज़ों पे ध्यान रखता है और हर किसी को हर मोड़ पे मिला ही देता है, बिकॉज हम किसी किसी के लाइफ में बहुत छोटा सा रोल प्ले करते हैं, बट रोल इज़ वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखा जाता है। ओके, सो अभी गूगल आंटी ने मेरे को बताया कि इन 300 मीटर्स योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। दिस इज द स्पॉट, माय डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट एंड आई सी फ्यू पीपल ऑलरेडी देयर, नेकलेस पॉइंट, आई एम हियर। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नेकलेस पॉइंट बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, आई थिंक दिस इज़ सम रिवर, और रिवर का नाम मैं गूगल करूँगा और अभी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। इट्स इन द शेप ऑफ सम नेकलेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नेकलेस पॉइंट। सो हियर्स द थिंग, अगर आप कभी नेकलेस पॉइंट गए तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं पर बैठना और 10 मिनट स्पेंड करना, सुकून इन 200 इज गारंटीड। एंड आई एम आउट ऑफ हियर। अभी मुझे भूख लगना स्टार्ट हो चुकी है, कुछ अच्छा खाते हैं। नेकलेस पॉइंट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। बस ये था कि बहुत लोग थे वहाँ पे तो बीच बीच में आ रहे थे फोटो मेरे टाइमलेस के बीच में, तो थोड़ा सा मुझे ना गुस्सा सा आ रहा था उनके ऊपर, बाकी सब तो बढ़िया। जो व्यू है वहाँ से वो मतलब एक नंबर है, काश मेरे पास ड्रोन होता और वो ड्रोन से मैं वहाँ पे ड्रोन शॉट ले पाता, क्योंकि ये जगह इज वर्थ टेकिंग अ ड्रोन शॉट। अच्छा लगा मुझे, एक नंबर। बस वहाँ पे जो क्राउड था उसमें थोड़ा अनोइंग सा हुआ, मैंने भी उनको अनोय किया रहेगा, उनसे भी मैं अनोय हुआ। यू नो मैं थोड़ी देर बैठा वहाँ पे अकेले में
एंड आई एंजॉयड इट. आई एक्चुअली फेल्ट वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव. अगर आप पुणे के आसपास से हो तो यू कैन विजिट दिस स्पॉट. एंड अगर पुणे से आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ से मैं आया ना, दीवे घाट से, वहीं से आना. बिकॉज वो जो रोड है वो बहुत ब्यूटीफुल सा रोड है, बहुत ब्यूटीफुल सा रोड है. और ये रहा वो ब्यूटीफुल सा ब्रिज जिसके नीचे से वो नदी गई है. तो अभी लग रही है भूख, कहीं पे रुक के कुछ खाना पड़ेगा. सभी कन्फ्यूजन ये है कि इस साइड भी एक होटल है और इस साइड भी एक होटल है, इन दोनों में से कौन सा चूज करे, इसमें कन्फ्यूजन है. एंड हियर वी गो. और ये रही अपनी बाइक, यहाँ पे मस्त मैंने छाव में पार्क करी है. देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. So I'm done with the lunch. Everything is done. यहाँ पे मैंने एक फ्राइड पापड़, एक पानी का बॉटल, एक चिकन थाली जिसमें भाकरी, रोटी, राइस, रस्सा, रस्सा मतलब ग्रेवी, अनलिमिटेड है, मतलब जितना चाहिए आप उतना खा सकते हो. बाकी सब तो आपने देख ही लिया. सो 200 रुपीज़ में इतना सब खाना और इतना सब मिलना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. एक नंबर एक्सपीरियंस. अभी बस ये हुआ है कि खाना खा लिया है मैंने बहुत पेट भर के, और अभी मुझे नींद आएगी. ओके, सो ये रहा बोर्ड, नारायण पेट, शंभूराजे जन्मभूमि मध्य सहर्ष स्वागत, किले पुरंदर. यस, अंजी तो बंद है, ये तो बंद है.